अलैकुम। इस वीडियो में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो स्टेट द रीज़न वेदर द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। हमने रीज़न के साथ बताना है कि जो आइटम है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। जब भी गुड्स का जिक्र आएगा, गुड्स हमारे पास फॉर रीसेल पर्पज़ होती हैं, तो गुड्स हमारी रीसेल पर्पज़ के लिए हैं। जब हमने रीसेल पर्पज़ के लिए जो चीज़ें लेनी है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लिखेंगे कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज गुड्स आर फॉर रीसेल पर्पज़। सेकेंड है वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अब ये नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए वेजेस पे किए हैं। तो जब भी फिक्स्ड एसेट हम लोग लेते हैं और स्टार्ट में उसके कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो वो उसकी एडिशनल कॉस्ट बन जाती है। तो अब हमने बिल्डिंग बनाने के लिए अखराजात पे किए हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लिखेंगे बिल्डिंग इज़ अ फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस एंड कैन बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द प्लांट, कि एक प्लांट का हिस्सा जो ख़राब हो गया हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट की उसको परचेज करने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। तो फिर हमारे पास है रिपेयर टू फर्नीचर परचेज्ड। अब ये खरीद रहे हो फिक्स्ड एसेट को, बेशक सेकेंड हैंड है, लेकिन ये आप खरीदते वक्त जो खर्चा करोगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा फिक्स्ड एसेट को खरीदते वक्त। तो फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है, इसलिए हम लोग इसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। एडिशन एंड अल्टरेशन मेड इन बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग में कोई अल्टरेशन करनी है, उसमें कोई चेंज लेके आना है, तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे उस बिल्डिंग की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम इसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज गुड्स आर फॉर रीसेल पर्पज। फिर हमारे पास सेकंड है वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग इज़ अ फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट। वॉर्न आउट प्लांट का जो पार्ट है उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ रिलेटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, द वैल्यू एंड प्रॉफिट अर्निंग हैज़ नॉट इंक्रीज, सो इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास डी में था रिपेयर टू फर्नीचर परचेज्ड सेकेंड हैंड। हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया, तो ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है, सो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ होगा, इसलिए इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने लिखा फर्नीचर इज़ अ फिक्स्ड एसेट, इट कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडिशन एंड अल्टरेशन मेड इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में हम लोग चेंज लेके आ रहे हैं, उसको अल्टर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, तो ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम इधर लिख लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अल्टरेशन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज़ अ फिक्स्ड एसेट, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शो द गिव एंड गिव रीजन द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू, कि ये जो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स गिवन है ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, उसके बारे में हमने बताना है। तो एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग कंपेन,
जो एडवर्टाइजिंग कम्पेन है उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, ये कोई न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने जा रहे, कोई हैवी एडवर्टीजमेंट का जिक्र यूज़ यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स है, तो अमाउंट अगर लार्ज हो तो हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टॉक, हमने स्टॉक के यूनिफॉर्म पे अमाउंट स्पेंड की है तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक साल में हम 2 से 3 दफ़ा ये अमाउंट स्पेंड करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी, जो हमने स्टार्ट में कंपनी को फ्लोटेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसके बेनिफिट जो हैं वो ओवर द नंबर ऑफ ईयर स्प्रेड हो जाते हैं। फ्रेट पेड और न्यूली परचेज बिल्डिंग, हमने नई बिल्डिंग खरीदी है उसके ऊपर हम लोग फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि न्यू बिल्डिंग न्यू मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, ये फ्रेट चार्जेस जो उसके हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं ये उसकी एडिशनल कॉस्ट बन जाएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ होगी क्योंकि फिक्स्ड एसेट है। फिर है हमारे पास एन अमाउंट स्पेंट एज अ लीगल एक्सपेंसेस फॉर अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क, हमने ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है क्योंकि हमने लीगल चार्जेस पे किए हैं इसके लिए, तो ये बार बार भी एक साल में हो सकता है इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ट्रेडमार्क इज जो हमारे पास है तो ये फिक्स्ड एसेट, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो इसको मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। फर्स्ट था हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कंपेन, तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजिंग कंपेन इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, बट इफ़ द अमाउंट इज़ लार्ज इट कैन बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हम लोग ने अगर एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट करवाई है हम लोग बार बार भी करवा सकते हैं, तो ये हमारा ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। सेकेंड था अमाउंट स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ, स्टाफ के यूनिफॉर्म के ऊपर जो अहराजात आए हैं उसके बारे में बात हो रही है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो एक्सपेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म स्टॉक कैन अकर अगेन एंड अगेन इन वन ईयर, सो इट इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारे पास थर्ड था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फ्लोटेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं तो ये हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो भी इनिशियल एक्सपेंस ऑफ कंपनी होते हैं उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर पे स्प्रेड हो जाते हैं तो इट विल बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। फिर फोर्थ है फ्रेट पेड ऑन न्यूली परचेज्ड मशीन, हमने एक नई मशीन खरीदी है उसके ऊपर हम लोग फ्रेट चार्जेस पे करें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेट रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इट विल बी यूजफुल फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड ऑन लीगल एक्सपेंसेस फॉर अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो है वैसे तो फिक्स्ड एसेट है लेकिन जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो इसको मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप सेम स्टेटमेंट लिख के भी लिख सकते हो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ऐसे भी लिख सकते हो ट्रेडमार्क इज़ अ फिक्स्ड एसेट बट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ एसेट इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी लिख सकते हो दीज एक्सपेंसेस कैन बी इनकर्ड अगेन सो इट इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसके साथ हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इनमें किसी में भी कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।